हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम मैथ्स ट्रिक जो सीरीज शुरू किए हैं उसका पार्ट फोर सॉल्व कर रहे हैं। ये ट्रिक्स आप लोगों को सीजीएल में जो अभी होने वाला है उसमें काफ़ी काम आएगा। बाकी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सीडीएस, आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ये आपको ट्रिक्स काम आएगी। अपने अभी मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू नंबर आर इन द रेशियो 7:11, इफ 7 इज एडेड टू द ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 2:3 द स्मॉलर नंबर। ये इजी क्वेश्चन है वैसे, बट इसको ट्रिक से कितना जल्दी हम कर सकते हैं। पहले आप बता रहे ट्रेडिशनल मेथड से करते कैसे, वहीं से ट्रिक आती है। इसे ये दिया है कि 7 और 11, तो 7x हम ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 11x। दोनों हमने क्या किया, 7 ऐड कर दिया, तो हमारा जो रेशियो कितना हुआ, 2:3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस करेंगे, जैसे इसको हम इधर कर लिया, इसे करते हैं, इसे करेंगे तो कितना हुआ, 11 में 2 से करेंगे 20, 2x प्लस कितना हुआ 14, और इससे करेंगे तो कितना हुआ 21x, 3 से करेंगे अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 21 हो गया। ये इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, तो 22 में से x में से 21x माइनस हो जाएगा, इधर 21 में से 14 माइनस होगा, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और x इक्वल टू 7 तो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलर जो x 7 दिया है, 7 × 7 कितना होगा, 49 आंसर हो गया इसका। अब इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो जो रेशियो दिया हुआ है पहले से 7:11 दिया है, अब जब नंबर हम ऐड कर दिया प्लस 7 इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो गया। तो जो हमारा ये x जो मल्टीप्लायर था यहाँ पे, या हम रेशियो में ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, तो x पहले निकालो कि कितना x आएगा। तो इसमें सिंपल तरीका क्या होता है कि 3 से इसमें इंटू करो और इसको इसमें क्रॉस कर दो, 7 × 3 = 21 और कितना 11 × 2 = 22, तो 22 − 21 कितना आएगा, 1x आएगा, तो ये x आएगा 1x आपका। तो 1x की वैल्यू अब निकालने के लिए क्या करते हैं कि 7 हमने दोनों साइड प्लस किया है, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 14, और 7 से करोगे 21, मतलब 21 माइनस क्या होगा 14, ये दोनों का डिफरेंस ही हम लेते हैं हमेशा, तो ये कितना आएगा 7, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, तो 7 जा कितना आ गया 49। तो इस तरह हम ये ट्रिक से कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको क्या करना होता है कि इन दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, 2 को 11 से, और ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं 1 अगर, तो 1 रेशियो भी हम ले सकते हैं इक्वल टू। अब फिर इसमें जो ऐड किया या माइनस किया, माइनस पे भी क्वेश्चन आता है, 7 जैसे ऐड किया 7 सब्ट्रैक्ट पे भी आ सकता है, 7 सब्ट्रैक्ट या 7 ऐड, तो इन दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देख लो। अब ऐसे भी इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 आ रहा है, रेशियो से देखो तो ट्रिक लगाओ तो क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, सिंपल। दोनों का रेशियो जो आ रहा है इसी से, इसमें 7 जो आपने ऐड किया या प्लस किया उसी से निकल जाएगा। अब इसमें ट्रिक कितना अच्छा है कि आप पहले इन दोनों को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देख रहे हो कि एक्स आ रहा है या 1:1 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 तो जो आपका 7 ऐड करो तो 7 माइनस करो 7, जितना ऐड करोगे वही आपका ये रेशियो आ गया, मतलब ये मल्टीप्लायर इसका कितना होगा, ये 7 आ गया जो आपका, क्योंकि ये रेशियो 1 है। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करें, स्मॉलर पूछ रहा है 7 से और लार्जर पूछ रहा है 11 से, 7 जा 49 आंसर हो जाएगा बी। करिए, 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर सच एज, जैसे 1 1 1 5 1 5 3 7 3 6, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म में एग्जेक्टिव डिविजन बाई। अब जैसे मान लो ये 1 5 1 5 दिया है, 1 4 1 4, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, अब दोनों को रिपीट कर लें। अब ये हमको दिखाना है कि इसमें से किससे डिवाइड होगा, उसका आसान मेथड क्या है कि जैसे 1 5 1 5 लिखा है, तो ट्रिक्स इसको करेंगे तो क्या है कि इसको 1 5 00 + 1 5 लिख सकते हैं हम, इसको 1 5 हमको 15 में ही करना है इसको। अब यहाँ से क्या किया हमने, 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 100 + 1 कितना होगा, 15 × कितना हुआ 101, इसका फैक्टर कितना 101 आ रहा है। फिर अब कोई और नंबर जैसे ये दिया 3 7 3 7, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 7 00 + क्या हुआ 3 7, इसमें से 3 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या हुआ 100 + क्या हुआ 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 3 7 × क्या हुआ 101। अब मिल गया आंसर हमारा क्या हुआ 101 से क्या होगा ये डिवाइड होगा। तो अभी ओरल को क्वेश्चन करने में क्या, यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ये इसको हम 2 0 कर देंगे और प्लस 15, तो यहाँ से 15 हम कॉमन लेंगे तो क्या 100 + 1 आएगा 101, और यहाँ से वही सेम करेंगे, 2 0 कर दिया, इसको 2 0 कर दिया, प्लस 37 लिख दिया, तो 37 कॉमन आएगा 100 + 1, तो ये 101, तो ये 101 से क्या होगा ये डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ये आपका इसमें लॉजिक था।
और ट्रिक्स है, जिसको आता हुआ क्वेश्चन वो बिल्कुल क्या करेगा इस तरह के, और भी कोई भी ट्रिक तो हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कभी भी कोई और भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है आपको तो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि वही सेम नंबर हमारा देखते हैं कि कम, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहा था उसको दो बार ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कर इफ़ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट डिजिट व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इन द स्टेटमेंट दिस, इसको ये इक्वल टू यहाँ पे है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको ऐड करके हमको ये लाना था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर ट्रिक आपको समझ में, बार बार मैं बोलता हूँ वीडियो में कि ट्रिक से पहले ट्रिक कोई ऐसा नहीं मंत्र नहीं होता है, ट्रिक आप खुद डेवलप करते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने ट्रिक आप उसको शॉर्टकट तभी आएगा जब आपको पूरा क्वेश्चन का पता होगा, बेस पता होगा कैसे आएगा, ऐसे कोई ट्रिक बता देता हो कि ये कर लो तो ये रट्टा हो जाता है, आप ये कर लो बेस उसका नहीं आ रहा तो फिर वो रट्टा हो जाता है। अब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 5p ये दिया, 9 यहाँ दिया, 3 2 7 दे दिया, यहाँ पे 2 क्यूब 8 दिया है, इसको ऐड करके आ रहा है 1114 आ रहा है। अब इसको आप ऐड करो देखो तो 8 7 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 ये 9 करे 24, 4 आ गया तो ये 2 कैरी आ गया। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे किसको किसको, इसको देखो 2 प्लस पी प्लस 2 प्लस क्यू, ये क्या दिया है क्यू दिया यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस पी, तो ये इक्वल किसके आएगा, यहाँ पे आएगा 1 आ रहा है तो 1 क्या है, 1 तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, 1 आएगा तो इसका मतलब क्या आ रहा है 11 आया होगा यहाँ पे, तभी 11 का 1 लिखा और 1 इसमें क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, तभी इसमें 1 कैरी आएगा, तभी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आप करेंगे तो 11 इसमें से आएगा तो कितना आएगा ये, अब क्योंकि ये 2 प्लस 2 हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये 11 तक के हम देखते हैं पहले, तो 11 तक के इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आ सकती है, देखो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम के लिए जैसे क्या होगा 4 प्लस पी प्लस क्यू हो गया, मतलब पी प्लस क्यू हमारा कितना आना चाहिए 11, यदि हम 11 लेते हैं तो अब हमारा ये मैक्सिमम जब कब होगा क्यू, जब ये पी क्या होगा मिनिमम होगा, अब पी मिनिमम यहाँ क्या हो सकता है 0 हो सकता है, पी मिनिमम यहाँ क्या हो सकता है 0 हो सकता है, तो पी मिनिमम जब 0 हो जाएगा यहाँ पे ये 11 माइनस 4 आएगा ये 7 आएगा, तो P जब 0 हो जाएगा तो Q आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 आएगी। अब इसको ओरल करना हो तो क्या होगा कि ये पता है कि इन दोनों को हम पहले ऐड करके देखेंगे, ये हम देखेंगे 24 आ रहा है मतलब यहाँ पे 2 कैरी आएगा, तो 2 प्लस 2 4 और P प्लस Q इक्वल टू 1 को हम 11 लेके देखेंगे, 11 लेके जब देखेंगे तो क्या होगा हमारा P प्लस Q कितना आएगा 7 आ जाएगा, और P प्लस Q तो ये जब Q मैक्सिमम निकालना है तो P आपका क्या आएगा मिनिमम आएगा, अब P मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, इसलिए Q क्या होगा 7 आएगा, 0 होएगा तो Q 7, ओरल क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऐसे। अब एक क्वेश्चन दिया है द लिस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शन, अब इसका देखो 20 के पीछे कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि कितना हम जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें ट्रिक क्या है देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है 15 अपॉन 16 को हम 1 माइनस 1 बाई 16 लिख सकते हैं, 16 जला गया माइनस 15, तो उसी तरह इनको भी हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 35। अब देखो यहाँ पे हर जगह क्या है 1 आ रहा है, 1 में से सारी नंबर माइनस हो रहे हैं, अब किसी चीज़ का हमको लिस्ट निकालना है भाई, लिस्ट कब होगा जब आप किसी नंबर सेम नंबर में से मैक्सिमम माइनस करोगे, इसमें से मैक्सिमम देखेगा कौन है, बट नेचुरल 1 बाई 16 क्या होगा मैक्सिमम होगा, कि 1 को 16 पार्ट में डिवाइड करना, 1 को यहाँ 35 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 बाई 16 जो है आपका क्या होगा 1 बाई 20 से बड़ा होगा, 1 बाई 20 जो है 1 बाई 25 से बड़ा होगा, 1 बाई 35 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसे ज़्यादा इन चारों में क्या मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम किसी में से माइनस करेंगे तो क्या ये मिनिमम आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी मिनिमम आएगी, तो इसकी वैल्यू लिस्ट में आपको क्या निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, मतलब आंसर इसका क्या होगा 15 बाई 16। अब इसमें मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या होता आपका ये आता कि मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या मिनिमम माइनस करते तो ये मिनिमम आता तो आपका ये मिनिमम आ जाता है। अब इसका ट्रिक क्या है कि कभी भी एक का डिफरेंस का आ रहा है कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है तो ट्रिक्स आप क्या है इसमें दिमाग में आपका आना चाहिए कि कभी भी ये क्वेश्चन इस तरह आ रहा है ये एक का डिफरेंस हर जगह आ रहा है और न्यूमरेटर क्या है आपका दिया है न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो डिनोमिनेटर आपका जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा छोटा होगा जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा तीन नंबर बड़ा होगा ये नंबर छोटा इसलिए छोटा। अब इसको उल्टा करके दे देता 16 बाई 15 दे देता और ये दे देता 20 अपॉन 19 दे देता और ये आपका दे देता यहाँ पे 25 बाई
24 और यहाँ दे देता आपका 35 बाई 34। तो ये जो आपने माइनस यहाँ पे दिया है, तो ये जैसे इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये चीज़ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 15 हो जाएगा, ये इसको लिखोगे 1 प्लस 1 बाई 19 हो जाएगा, इस तरह 1 ये 1 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 24, इस तरह ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई 34 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अभी इसमें आपको लिस्ट निकालना हो तो इसमें लिस्ट क्या होगा, अब प्लस हो रहा है तो प्लस में क्या होगा, सबसे जिसमें छोटा प्लस होगा वही तो छोटा होगा। तो ये 1 बाई 34 अभी बताया कि ये जैसे नंबर आपका बढ़ता चला जाता है तो जो नंबर छोटा होता है ये 1 को 16 पार्ट में डिवाइड करना, 1 रुपये में 16 पार्ट देना हिस्सा, तो ये आपका क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, इसमें सबसे कम आएगा। तो इसमें यदि आपको लिस्ट निकालना कि इसमें कौन छोटा है, तो इसमें कौन सा छोटा होगा, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये आपका ये 1 बाई 15 इसमें बड़ा है, तो ये इसमें 1 में हम प्लस कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये लिस्ट हो जाएगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस तरह दिया है तो ये आपको, और ये सारे पेपर जो ये मैं शॉर्टकट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, पिछले सालों के आए हुए, मेरे 16 के क्वेश्चन नहीं है जनरली इसमें, ये जो 15 से लेकर उधर 10 तक के जो पेपर हैं उसी में पास्ट पेपर का मैंने लिया हुआ क्वेश्चन, उसी में से सारे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, आउट ऑफ 6 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इफ़ द सम ऑफ द 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर नंबर। इसमें सिंपल क्या होता है कि हम कंजुगेटिव नंबर लेते हैं तो क्या होता है x, फिर x प्लस 1, फिर क्या होता है x प्लस 2, ऐसे आता है। तो सिंपल हमको पता है कि 3 कंजुगेटिव नंबर लेंगे तो माइंड में हमारा क्या आएगा, 3x प्लस 3 आ जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, ये 20 लिखने समझाने के लिए दिखाना पड़ता है, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ 27, 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी है कि 8, x 8 आएगी तो मतलब क्या हुआ 8, 9 और 10, ये तीन नंबर को ऐड किया तो देख लो 27 आ जाएगा, और इसके नेक्स्ट निकालना है तो 11, 12, 13 ये हो जाएगा 36, तो आंसर हमारा हो जाएगा 36। अब ये बिना पेन कॉपी का कैसे करेंगे, सिंपल से पता है कि 3 कंजुगेटिव नंबर हमारा 3x प्लस 3 होता है, 3 कंजुगेटिव नंबर को हमको पता है कि xx प्लस 1 x प्लस 2 को तो 3x प्लस 3, 3 इसमें से माइनस करेंगे 24, 3x इक्वल टू 24 है, x आएगा 8, 8, 9, 10 हमारा हो गया, तीन नंबर ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 11 लेना है, 11, 12, 13, 11, 12, 13 तो इधर हो गया 30 और आपका ये 6 आ गया 36, मुश्किल से 10 सेकंड में नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसा भी ये वीडियो के बारे में कमेंट जरूर आप लोग करें, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वीडियो आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, या कोई चीज़ टॉपिक क्योंकि ट्रिक्स बता रहे हैं वहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा दें, जिससे ये हुआ कि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे उसका अलर्ट आप लोगों को मिल जाया करेगा। हमारा मैथ्स एंड मोर का फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लोग ये फेसबुक पे जाके आप उसको भी मैथ्स एंड मोर को आप लोग लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।